अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फैसल शब्बीर। क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक हैं? आप में से कुछ लोग ट्रेंडिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स मांग रहे थे, तो लें जी बंदा हाजिर है। आज आपको इस वीडियो में 5 ट्रेंडिंग वीडियो बनाना सिखाऊंगा। ये 5 वो ट्रेंडिंग इफेक्ट्स हैं जो इस वक्त टिकटॉक पे, स्नैक वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट तरीके से गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से ये तमाम की तमाम वीडियोस को अपने कैप कट में इजीली बना सकते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि फ्यूचर में इस चैनल की वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगी। तो पहला ट्यूटोरियल, शेकिंग फोटोज। आपने जाना है अपने कैपकट में। यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल बना लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखें, मेरे पास तमाम पिक्चर्स आ चुकी हैं, ये चेक करें। इन्हें आप कैसे ला सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको लाने का। आपने प्लस पे क्लिक करके अपनी जितनी भी पिक्चर्स को लाना चाहते हैं आपने उन पिक्चर्स को इम्पोर्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा इसको कर लेता हूँ, ऐड पे क्लिक कर दिया, और इसके बाद आपने अपनी इस फोटो की ड्यूरेशन को सेट करना है। आपने मैक्सिमम रखनी है 2.5 सेकंड्स। इसके बाद यहाँ से नीचे आपने स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से थर्ड इफेक्ट को आपने चूज़ कर लेना है, कैमरा शेकिंग वाले को। इसके बाद आपने ओके कर देना है। आपकी पिक्चर पे ये इफेक्ट लग चुका है, ये देखें। इस तरीके से आप अपने 3, 4, 5 जितनी भी फोटो चाहें उनको अपने इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी हर पिक्चर के टाइम को 2.5 सेकंड पे सेट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर पे क्लिक करके स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपने तीसरे स्टाइल को चूज कर लेना है, कैमरा शेकिंग वाले को, और इस तरह आपकी ट्रेंडिंग वीडियो तैयार हो जाती है इस तरीके से। ये होगी पहली ट्रेंडिंग वीडियो। अब चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। ये ट्रेंड इस वक्त टिकटॉक पे, स्नैक वीडियो पे, हर जगह बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। आप इसको ट्राई करते हैं तो आई एम श्योर कि आपकी वीडियो ज़रूर वायरल होगी। इसको अपने कैसे लगाना है, आपने अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने टाइमलाइन पे अपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद आपने छठे नंबर पे फ्रीज फ्रेम पे क्लिक करना है। अब इसका कमाल देखें, ये हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। प्ले करके देखते हैं, ये देखें जी। इस तरीके से आप इस इफेक्ट को लगा सकते हैं, जैसे भी लगाना चाहें। ये फ्रंट इफेक्ट है, अगर आपने बैक वाला लेना है तो दोबारा वापस जाएं उसमें, और यहाँ से आपने पांचवें स्टाइल को चूज कर लेना है, वो आपके रिवर्स में लग जाएगा। अब चलते जाएंगे, वो पीछे उसकी वीडियो को छोड़ता जाएगा। बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टेड आई कैची इफेक्ट है, इसको ट्राई करके देखें अगर आप फॉर यू पे आना चाहते हैं तो। अब चलते हैं अगले ट्यूटोरियल पे। स्लो मोशन। आप स्लो मोशन कैसे बना सकते हैं, कैप कट के अंदर स्लो मोशन वीडियो बनाना और बड़े ही कमाल की वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। आपने अपना क्लिप इंपोर्ट कर लेना है। आपका क्लिप ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5, 6, 7 सेकंड का होना चाहिए। इतनी ड्यूरेशन की वीडियो पे बहुत अच्छा काम किया जा सकता है स्लो मोशन के लिए। तो आपने उसको इंपोर्ट कर लेना है अपने क्लिप को, अपने क्लिप पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है स्पीड, और उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आती हैं, नॉर्मल और कर्व। आपने क्लिक करना है कर्व पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है मैनुअल, उसके बाद है ऑटोमेटिकली। ये देखें, यहाँ पे जो भी आप चूज़ करते हैं वो उसको ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। अगर आप मैनुअली करना चाहें तो कस्टम पे दो बार क्लिक करते हैं, और उसके बाद आपके सामने आपकी वीडियो की पूरी टाइमलाइन आ जाती है। आप स्टार्ट में, सेंटर में, जैसे करना चाहें फास्ट, आप इजीली कर सकते हैं। इस तरह आप स्लो मोशन वीडियो कैप कट के अंदर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जैसे इफेक्ट लगाना चाहें, जैसा स्टाइल देना चाहें स्टार्ट में, एंड में, वो आप दे सकते हैं। एनिमेशन में जाके इन वीडियो, आउट वीडियो, कॉम्बो, जैसा भी देना चाहें आप इजीली दे के अपनी बेहतरीन स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं। एक्सट्रैक्ट फोटो फ्रॉम बैकग्राउंड। ये जो आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं आपके मोबाइल में नज़र नहीं आएंगे। आपने जब भी काम करना है न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके करना है। मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं आपके लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट में जाके अपनी 4, 5, 6 पिक्चर्स को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने अपनी पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है स्टाइल पे। स्टाइल में आने के बाद यहाँ से आपने 8वें इफेक्ट को चूज कर लेना है, पॉपअप एल्बम। इस पे क्लिक करते ही आपकी पिक्चर पे वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह आपने तमाम पिक्चर्स पे ये इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपने इसको प्ले करके देखना है, ये देखें। ये ट्रेंडिंग वीडियो बनाते वक्त आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपकी पिक्चर की ड्यूरेशन 1.5 से 2 सेकंड तक हो, इससे ज्यादा ना हो, इससे कम ना हो। इससे कम ज्यादा करेंगे तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें, जैसे कि पहली वीडियो की टाइमिंग थोड़ी ज्यादा है, बाकी वाले की जो मैंने बताई है वही है। तो आपने मैक्सिमम 1.5 से लेकर 2 सेकंड तक टाइम रख लेना है। उसके बाद आपने अपनी इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।
अपनी वीडियो को कुछ मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट्स देना, वो कैसे दे सकते हैं आप? आपने अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है, उसके बाद आपने क्लिक करना है इफेक्ट्स पर। इफेक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने बॉडी के इफेक्ट्स मिलते हैं और वीडियो इफेक्ट्स मिलते हैं। आपने क्लिक करना है बॉडी इफेक्ट पे, यहाँ पे आपको तरह तरह के इफेक्ट्स मिल जाते हैं। ये देखें, बॉडी के लिए हैं, सराउंडिंग के लिए हैं, हेडवियर के लिए हैं, डेकोरेशन है, हैंड्स के लिए हैं, इमोशंस के लिए हैं। तो आपने किसी भी इफेक्ट को चूज कर लेना है, वही इफेक्ट आपकी वीडियो पे अप्लाई हो जाता है इस तरीके से। ये देखें, अगर आप बैकग्राउंड को खत्म करके वहां पे कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। किसी पे क्लिक करें, ये देखें, जो भी आप चूज करते हैं वो आपकी वीडियो पे फौरन ही अप्लाई हो जाता है। इस तरीके से आप ट्रेंडी इफेक्ट बना सकते हैं। बेशुमार तरह के इफेक्ट्स मौजूद हैं, जैसा भी आप यूज करना चाहें आप इजीली यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप कैपकट के अंदर ये 5 बेहतरीन किस्म की ट्रेंडी वीडियो बना सकते हैं, बिना किसी मशक्कत के, बिना किसी महारत के। कैपकट के अंदर तमाम के तमाम फीचर्स मौजूद हैं, तमाम के तमाम इफेक्ट्स मौजूद हैं। आप इनको ट्राई करें अपनी वीडियोस पर, अपने पिक्चर्स पर। आप ये तमाम के तमाम इफेक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कौन सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा, किसको आप ट्राई करना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप कैपकट पे एक प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, एक बेहतरीन प्रॉपरली प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, ये वाली, इसको देखें, इंशाल्लाह आपको इससे भरपूर फायदा हासिल होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।